नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी हरी मिर्च का अचार। तो ये 1 kg हरी मिर्च हैं, तो इनको मैंने धुल के और धूप में सुखा लिया है और इनको अब बीज से हम चीर लेंगे। तो इनको बीज से चीर लेंगे, बहुत ही टेस्टी इसका अचार बनता है। सर्दियों का सीजन है, सर्दियों में ये मिर्च आती है हरी। डंठल अगर तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं, और अगर लगा रहना चाहते हैं तो लगा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको बीज से चीर लेंगे ऐसे। इधर एक साइड से जुड़ा रहना है, बीच में ही चीरना है। मिर्च इसकी ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए इसको हम निकालेंगे नहीं, डंठल हम हटा देंगे, क्योंकि डंठल से जल्दी अचार ख़राब होता है। तो इसी तरीके से हम सारे मिर्च तैयार कर लेंगे। और ये सारी मिर्ची मैंने चीरा लगा के तैयार कर ली है। अब इसके लिए तैयार करूँगी मसाले। अच्छे से इनको चीर लिया है, ये दोनों इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। तो मसाले तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सौंफ लेंगे, 1 kg के हिसाब से ऐसे चम्मच से 8-10 चम्मच ले लेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 एक करीब 2-4 मिर्चे उसमें ख़राब भी निकल गए हैं, तो ऐसे 1.25 kg के करीब होगा। तो ये 8-9 चम्मच के करीब मैंने सौंफ ले ली है। और अब डालेंगे इसमें मेथी। तो मेथी भी हम डाल लेंगे 2 चम्मच के करीब, 2.5 चम्मच के करीब ये मेथी हो गई है। अजवाइन डाल लेंगे इसमें 1.25 kg के हिसाब से 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन डाल लेंगे। और सरसों डालेंगे, तो अब सरसों डालूंगी इसमें करीब 7-8 चम्मच के करीब सरसों। काली राई भी ले सकते हैं, पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं। चम्मच ये सरसों डाल दी इसमें मैंने, इसमें आप राई भी डाल सकते हैं और काली मिर्च, ये थोड़े से दाने काली मिर्च है, काली मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी आएगी अचार में। और इन सब मसालों को अब हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इधर गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें ये जो मसाले तैयार किए हैं इनको डाल देंगे। और अचार बनाते टाइम मेन चीज़ है कि गीला नहीं, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे बर्तन सूखे और हाथ सूखे होने चाहिए। स्लो गैस पे इसको रोस्ट कर लेंगे, हल्का इसकी नमी निकल जाए, बस इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो धीमी आँच पर इसको हम भून लेंगे। देखिए धीमी धीमी खुशबू आने लगी है इसके अंदर। स्लो गैस पे ही रोस्ट करेंगे। मसाले चटकने लगे हैं थोड़े। और ये मसाले भून के तैयार हो गए हैं। गैस को हम कर देंगे ऑफ, थोड़ी देर इसको ऐसे ही चला लेंगे। और इनको ठंडा कर, यहीं पे इसमें
दो चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और इसको भी हल्का सा इसी में गरम कढ़ाई में चला देंगे। तब तक ये मसाला ठंडा हो रहा है और मैं थोड़े बेसिक मसाले निकाल लेती हूँ। तो दो स्पून के करीब ये हल्दी है, डेढ़ स्पून हींग है, हींग की खुशबू बहुत अच्छी आएगी अचार में, और ये कलर के लिए कश्मीरी मिर्च है। ये एक स्पून के करीब कलौंजी है, कलौंजी भूनेंगे नहीं और नहीं तो इसको पीसेंगे भी नहीं, और ये है एक स्पून के करीब अमचूर पाउडर। तो हल्दी को भी हम गरम कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे जिससे इसकी नमी निकल जाए, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और इसमें डालेंगे काला नमक, काले नमक का भी स्वाद बहुत अच्छा लगता है। 900 ग्राम के करीब मिर्च है मेरे पास, 900 ग्राम के 800 ग्राम के करीब, तो मैंने डेढ़ चम्मच के करीब काला नमक ले लिया है। हल्दी को हम गरम कढ़ाई में डाल के रोस्ट कर लेंगे और स्वाद के हिसाब से सादा नमक भी ले लिया है, ये मैंने काला नमक भी लिया है और सादा नमक भी लिया है। अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए अपना स्वाद के हिसाब से जैसा आप खाएं वैसा ले लेंगे। तो हल्दी मैंने गरम कढ़ाई में डाल दी है, वो भी गरम हो गई है। इधर ये मसाले अभी थोड़े गरम हैं, इनको ठंडा करना है, ये ठंडे हो जाए फिर इनको, ये मैंने मिक्सर जार ले लिया है, इसमें डाल के इनको दरदरा भून लेंगे, वो सॉरी दरदरा पीस लेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं तो इनको हम दरदरा सा पीस के लाते हैं। तो ये मैंने इन मसालों को देखिए ऐसा दरदरा सा पीस लिया है, और अब इसी में हम डाल लेंगे ये कश्मीरी मिर्च। ये जो कढ़ाई भी ठंडी हो गई है, इसमें मैंने हल्दी को डाला था नमी निकालने के लिए, इसी में इस सारे मसाले को हम निकाल लेंगे। और कश्मीरी मिर्च डाल दी है इसी में, कलौंजी डालेंगे, इसको ना तो भूनना है ना पीसना है। और स्वाद ये नमक काला काला नमक डाल दिया है, स्पून डेढ़ स्पून ये है हींग, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। ये अमचूर पाउडर है और ये स्वाद के हिसाब से काला हो सॉरी नमक सादा नमक। ये सारे मसाले हम मिला लेंगे। अब लेना है सरसों का तेल, तो करीब 250-300 ग्राम के करीब सरसों का तेल लेंगे। ये मैंने ले लिया है 300 ग्राम सरसों का तेल, ये देखिए इसको इसी कढ़ाई में डाल के इसको हम गरम कर लेंगे। ये देखिए सरसों के तेल को हमने गरम कर लिया है तो इसमें से धुआं सा निकलने लगा है। अब इसको गैस को हम बंद कर देंगे और तेल को करना है ठंडा। और ये ठंडा हो गया है तेल, ये सारे मसाले फिर हमने बड़े बर्तन में कर लिए हैं। और इस मसाले में हम डाल लेंगे थोड़ा सा सिरका, सिरका अचार को काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रखता है, ख़राब नहीं होता है सिरके से अचार, और स्वाद भी इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और थोड़ा डालूंगी इसमें ये पका हुआ तेल और इसको हम चला लेंगे और इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे सूखा चम्मच रहना है
अगर मसालों में या कहीं पानी आ गया तो अचार जल्दी से ख़राब भी हो सकता है। तो ये मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। हाथ भी सूखे हैं, हाथ से भी मिला सकते हैं, हाथ से थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। और इसको थोड़ा चेक कर लेंगे, नमक बहुत अच्छा है। नमक सारे मसाले तैयार हो गए और अब हम लेंगे मिर्च। इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, इसमें भरेंगे मसाले, अच्छा सा मसाला दबा दबा के भरना है इसमें। ऐसे एक साइड में इसको ऐसे रख लेंगे। सारा मसाला दबा दबा के भर देंगे ऐसे। तो इसी तरीके से हम सारे मिर्च को मसाले से फिल कर देंगे। ऐसे सारे मिर्चों को तो ये सारे मिर्च हमने मसालों से भर दिए हैं। तो ये भर कर अचार तैयार है मिर्चे का। और इसी तरीके से आप लोग भी इस मसाले को तैयार करें और मिर्च का अचार बनाएं। और इसको अब हम एक छोटे डिब्बे में भर लेंगे। तो ये इस तरीके से इसमें थोड़ा सा नीचे हम तेल डाल लेंगे इसमें, और इसको उठा उठा के ऐसे रख देंगे डिब्बे में। डिब्बे में कर लेंगे और इसमें डाल दूंगी मैं तेल इसके ऊपर से। इतना तेल इन मिर्चों के लिए बचा लेंगे। और इसको अभी डिब्बे को टाइट नहीं बंद करेंगे, इसको ऐसे ही ऊपर से रख देंगे और इसको सुबह धूप में रखेंगे। ये मेरा अचार बनके तैयार हो गया है। और आप लोग भी अचार को बनाएं और इसका स्वाद लें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।